हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह का है कि बहुत ही काम हो रहा है और मेरे से पापा चले गए हैं और नंदन अभी तक सोया हुआ है, तो मैं भी उठती हूँ। कुछ पूछा था रात क्या खाना करो, मम्मा मेरे राजमा खाने, मेरे राजमा वो बनने के लिए रखे हुए हैं। तो आज भैया ने बोला कि घर में कोई आएगा तो चाय का प्रोग्राम है, क्यों भी रखा होगा, तो उन्होंने इधर ही बैठना बोले थे। ये कमरा मैं बोली भैया इस कमरे में, ये जो साथ वाला मेरा जो कमरा है ना, इस कमरे में कोई नहीं आता, सिर्फ इसको मैंने सजा आके रखा हुआ है, कोई नहीं आता यहाँ। पूरा दिन हम एक ही रूम में बैठे रहते हैं, बाकी सारे रूम बस सामान लगा हुआ है, कोई जाता ही नहीं है, बस एक ही रूम में हमारा बैठना होता है। तो कोई आना, कोई हमारे इधर ना मंदिर बनाना शुरू किया था लोगों ने, लेकिन ना किसी ने, बस वो क्लंथ पर माता जी की मूर्ति रखी हुई आगे, किसी ने कुछ नहीं किया। भैया ने बोला कि मैं वो मंदिर बनाऊंगा, तो उसी के उपलक्ष्य में कोई आना, किसी ने आज हमारे घर में कोई मिस्टर आएगा तो मंदिर के लिए आ रहे हैं उद्घाटन करना। भैया ने मटीरियल वगैरह सटवा, ईंटें वगैरह सटवा, अपने से ही भैया ने कर रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे घर में आना है। तो भैया को मुझे पूछा था मैं भैया को कि वो कब आएंगे, भैया बोलते 2 बजे के बाद आएंगे, तो वही चाय चूर का प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने इधर ही बैठना है। तो भैया बोलते कमरा मैं आपको दिखा देती हूँ, कमरा यहाँ बेड लगा हुआ है, ये सोफे हैं बस, और कुछ इस पूरा दिन इस कमरे में कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। और ये लॉबी है, तो यहीं पर बैठेंगे जो लोग आएंगे, कुछ लोग इधर बैठ जाएंगे, कुछ इधर बैठ जाएंगे चाय के लिए। तो अभी ना ये शीशा थोड़ा सा गंदा हुआ था, क्योंकि अभी अंदर ना जब ब्रश वगैरह करता ना तो इधर छींटे डाल देता है, तो मैं इधर थोड़ा साफ़ कर रही थी, क्योंकि बात सफाई कर रही है। पानी लग गया, मैंने राजमा चढ़ा दिया, चूल्ही को मैंने बांधा हुआ है क्योंकि वो सफाई नहीं करने दे रही, तो बजन लगे हुए हैं देखो। और अब नंदा मेरा सोया हुआ है, पूरी साफ सफाई हो गई है, थोड़े से कपड़े पड़े हैं प्रेस करने और वो मैं आज कर दूँगी। तो अभी देखती हूँ, अभी पिंकी को बोला घर आता है, पिंकी को बोला खेलना लेके आ, मेरे बॉल स्केट कर दे, तो पिंकी लेके आई है। पिंकी बोलती मामी मैं चाची अभी मैं कर देती हूँ, सुबह सुबह भजन लगे हो काम करने, मज़ा इतना मज़ा दे, इतनी मन को शांति मिलती है, बहुत बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। रात को जिनके गए थे हम सगन डालने के लिए, वो लड़की का नाम पूजा, वो हमारी पहले की बात, मतलब पहले से पहचान है, वो पहले मामी हमारे पहले से बोलती है। रात को गए, उन्होंने तैयार किया उसको, पूरे गहने पहने पूरे, वो इतनी प्रीटी लग रही, इतनी सुंदर लग रही थी, मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन वो बोलती हैं कि उसकी भाभियाँ बड़ी अच्छी हैं, तो उसकी ना भाभियाँ रो रही थी, तो जब वो भाभियाँ रोज करती भाभी को देखे वो भी रोना, नहीं पूछा चुपका चुपका रोती नहीं है, लेकिन बोलती नहीं उसकी भाभियाँ बहुत अच्छी। मैं बोलती हूँ कि भाभियाँ जो अच्छी हैं, अगर खुद इंसान अच्छा होगा तो जो इंसान खुद अच्छा होगा उसके लिए सारे अच्छे, उसके लिए सारा संसार अच्छा, अगर वो इंसान खुद अच्छा होगा, उसमें खुद अच्छा होगी, नहीं छोड़ो यार कोई बात हो भी, चलो छोड़ो यार मिट्टी डालो, फिर बात आगे बढ़ती नहीं है। अगर एक बात को पकड़ गया बैठ जाओ, उसको खींचते हो फिर बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है। कोशिश करो कि बात को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। बोलते हैं उसकी भावें बहुत अच्छी हैं, मैंने बोला अच्छी है, पूजा के नीचे भी बहुत अच्छी हैं। तो हमारे पड़ोस में आ रही है, आज बारात है, आज शाम को बारात जाना है, तो नंदा के पापा चले गए हैं। तो आज देखो जो जिन लोगों ने आना, शाम को 2 बजे के बाद उनका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो आएंगे चाय चू पानी जो भी प्रोग्राम रखा होगा। भैया ने मुझे पता नहीं है क्या है वैसे, बस भैया ने मुझे इतना बोला कि वो इधर बैठेंगे, मैं कहा भैया कोई बात नहीं, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। क्या लिया इसने, इसने क्या लिया, देखो अभिनंदन कर रहा है ब्रश, और उससे ये डेली ब्रश मांगती है, और रोज इसी ब्रश के साथ दिखा जरा, दिखा ये देखो, ये डेली इस ब्रश को लेके खड़ी, बस इसको डेली ये ब्रश चाहिए, क्या करना ब्रश करना तूने, छोड़ नहीं देना, ये क्यों दिया तूने ब्रश इसको, मुंह भी धोले, मुंह भी धोले, मुंह धोले ना।
अभी हमारे घर में वो आ रहे हैं सर, जिन्होंने आना है अब चक्रवी के हैं, वो एमएलए बीजेपी के नेता हैं, वो आ रहे हैं मंदिर। जो मैंने आपको पहले भी मैंने बात बताया था कि इधर मंदिर जगह मंदिर कोई बना नहीं रहा था, तो भैया ने कदम उठाया कि चलो मैं मंदिर बनाता हूँ, और वो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं देख के। और इधर हमारे घर में खाने का बंदोबस्त किया, खाना बना दिया हुआ है, और अभी ये सारी चेल वो आए, भैया खुद ही देख के गए कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। मैंने बोला ये वाला रूम है, यहाँ पर खाना खाएंगे, चाहे डाइनिंग टेबल पर आप लगा लो, चेरें चूरें देख के गए। बोलते ठीक है बस बहुत अच्छा है। तो मैं अब वो जब वो आएँगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मंदिर में भी खाना खा लिया, जूली को तो मैंने बंद कर दिया कमरे में, तो जब आती हैं तो फिर आपसे मिलाती हूँ। चलो करो, अंकल भी आता है, ये आज हमारे घर में बीजेपी जी के नेता जी आए हैं। मैं इनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि ये पिताजी के समान है। तो हमारे इधर जो मंदिर की प्रॉब्लम आ रही थी काफी देर से, कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, तो भैया ने कदम उठाया, तो आज ये आए हैं। हम आशा करते हैं ये हमारी मदद करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी। कोई गल नहीं, अब तू रोएगा ना तो देखना तेरी फोटो नहीं अच्छी आएगी। आज इसका बर्थडे है लेकिन ये रो रहा है, रोना नहीं। ये गंडली का गंडली कुत्ता थले गलत गलत गलत। तू कौन है? कुत्ता। किस कहाँ का? खाड़ी का। बदलापुरी उठा लो टाफिया, क्यों उठा रहे आप लोग? अभिनंदन वो दे पड़ी, उठा ले। चल काट ना केक, काट डुगू केक काटा। चलो क्लैपिंग करो सारे, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। पानी भी डाल दो, वो टॉयलेट करने की। अभिनंदन इधर देख, हम लोग जा रहे हैं बारात में, और ये रहा मेरा अभिनंदन। आपको दिखाती हूँ अभिनंदन का लुक, क्या पहना अभिनंदन के पापा का लुक। इन्होंने ये ड्रेस पहनी हुई है, अभिनंदन ने ये वाली पहनी है, और ये और अभिनंदन की मम्मा तैयार हुई है। अभिनंदन फेंक रहा सेंट, ए ए ए ए सेंट फेंक के जा रहा है। आई आई कुछ वो आ गया, ये देख लो कुछ वो आ गया, ये देख कुछ जा। ये जा रहे हैं, आज बारात है, आज हमारा है रात को खाना बारात का, कल होगा डिनर का। Thank you.
ये देखो इतनी जल्दी दिखा रहे हैं कि खाना ना खत्म हो जाए। हाँ, और ये क्या खा रहे हैं? खाना। सवा दस हो गए और इनका देखो लाड चल रहा है, अभी तक इनका लाड चल रहा है। Nice।